स्वीडिश तो वेस्ट बंगाल द संदेश पाल पायसम फ्रॉम तमिलनाडु घेवर फ्रॉम राजस्थान सबसे बड़े जलेबी वो भी दिल्ली वाली फेमस ही है मिठाइयों के लिए मध्य प्रदेश पूरन पोली रसगुल्ला रसमलाई द बेस्ट स्वीट डिश शुड बी मोदक कच्छ का गोड़िया लड्डू द मैसूर पाक द बेस्ट आपको सबसे बड़े जलेबी वो भी दिल्ली वाली देखिए दिल्ली की बोलूँ तो स्पेशली कनॉट प्लेस वाली 20-30 की एक प्लेट मिल जाएगी आराम से 100-200 ग्राम पेट भर जाएगा एंड मज़ा आ जाएगा मतलब माइंड रिफ्रेश हो जाएगा संडे सुबह मिल गई तो जब आखिरी बार खाया था तीन महीने पहले सो हाँ 20 की प्लेट थी वेस्ट बंगाल द संदेश सिंपल इजी टू मेक And it is used for all our best auspicious purposes like Durga Puja and marriages. In my opinion, it is the best sweet in this India. मध्य प्रदेश MP का स्वीट बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली वहाँ फेमस ही है मिठाइयों के लिए मध्य प्रदेश वहाँ की मुझे गजक बहुत अच्छी लगती है तिल्ली वो विंटर में बहुत अच्छा रहता है अपने बॉडी के लिए तेल के लिए सेंगदाना की चिक्की वगैरह वो गजक बहुत अच्छी है स्वीट डिश तो महाराष्ट्र खुद ही एक आपस में स्वीट है पूरनपोली क्योंकि इसमें एक अलग सा फ्लेवर होता है गुड़ है चने की दाल है और इसको नारियल के दूध के साथ खाया जाता है तो बहुत ही पौष्टिक भी है बहुत हेल्दी भी है अगर गुड़ का इस्तेमाल करें तो पूरनपोली से बढ़िया चीज़ आपको भी कोई मुझे शायद लगता है मिल पाएगी एंड इफ यू गाइस हैव नॉट ट्राइड पूरनपोली एट ऑल देन डू विजिट महाराष्ट्र एंड ट्राई पूरनपोली Eating puranpoli, it's very delicious and it is eaten with ghee, the basic ghee, original ghee. मेरे को बंगाल का स्वीट सबसे बढ़िया लगा रसगुल्ला रसमलाई मलाई सैंडविच संदेश राजस्थान यू नो शुड बी कंसिडर एज द वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स टू हैव द बेस्ट स्वीट्स घेवर फ्रॉम राजस्थान इज वन यूनिक स्वीट which you won't find in any other state. The way it is prepared, it takes a lot of effort and the kind of sweetness that you get, everyone gets happy from that. Pal Paisam from Tamil Nadu. It's a very, very popular sweet dish. It's served in all occasions, all functions, all feasts. It is basically made with milk, which is condensed to such an extent that it becomes thick and viscous and very, very tasty. कच्छ का गोड़िया लड्डू एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे फुल ऑन एनर्जेटिक वन टाइम मील उज्जैन की रबड़ी आहा कांट फॉरगेट इतनी प्यारी उज्जैन की तो हर एक मिठाई अच्छी होती है लेकिन रबड़ी सबसे प्यारी द बेस्ट स्वीट डिश शुड बी मोदक बिकॉज यू सी मोदक हैज अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यूज इट इज रिच इन You know, it is made with a mixture of jaggery with coconut. And both are, you know, delicious as well as nutritious. You know, coconut is one of the most nutritious food. Modak is according to me the tastiest dish. And it belongs to Maharashtra. Mysore Pak is the best sweet I've ever eaten. It just melts in your mouth. It's like a wonderful delicacy. The first time I tried it, one of my friends made it for me. It's made with a lot of ghee. I know that is one of the reasons why it melts in your mouth instantly the moment you put it inside